हर साल परंपरा के अनुसार कार्तिकी एकादशी के पावन अवसर पर महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री द्वारा भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी की पूजा की जाती है। ऐसे में कार्तिकी एकादशी के खास मौके पर विट्ठल रुक्मिणी की राजकीय महापूजा आज गुरुवार को सुबह 2:30 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सम्पन्न की गई। हर साल श्रद्धालुओं में से एक दंपति इस शासकीय पूजा में शामिल होता है। इस साल नासिक जिले के डिंडोरी तालुका के माले दुमाला गांव के बबन विठोबा घुगे और वत्सल्ला बबन घुगे को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकारी महापूजा का सम्मान मिला। आपको बता दें कि कार्तिकी एकादशी के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु पंढरी में पहुंचे हैं। भगवान विट्ठल के नाम के जाप से पूरा पंढरपुर क्षेत्र गूंज रहा है। इस बीच राज्य में सूखे की स्थिति और विभिन्न समुदायों के आंदोलन के कारण भक्तों की संख्या में कुछ हद तक कमी आई है। राजकीय पूजा के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का मंदिर समिति के सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर ने अभिनंदन किया। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस दंपत्ति को ये पूजा का सम्मान मिला उन्हें 1 साल के लिए मुफ्त एसटी पास देकर सम्मानित किया। इस तरह की और भी न्यूज अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।